जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, एनर्जीदार लाइव क्लास होगा, क्योंकि आज का जो हमारा दिन होगा 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के पार्ट 1 देख लेना। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 100 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर बताया, आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, यानी कि इसरो का पूरा नाम क्या होगा। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि इसरो का पूरा नाम क्या होगा। तो इसरो का पूरा नाम जो होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर जो सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की। और तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच सिटी ड्रॉपेड द फर्स्ट एटॉमिक बम इन जापान, यानी कि जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो जापान में जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की। और चार नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल लोकेटेड, यानी कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सूर्य मंदिर जो स्थित होता है वो उड़ीसा में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की। और पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो राष्ट्रगान के समय जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और मैं आपको बता देता हूं कि वंदे मातरम का जो होता है वो 65 सेकंड होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि किसे झीलों का शहर कहा जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो झीलों का शहर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड देश रत्न, यानी कि देश रत्न किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देश रत्न जो कहा जाता है वो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पन्ना लाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित होते हैं। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पन्ना लाल घोष का जो संबंध होता है वो बांसुरी से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कथक इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग को जल्दी से बताना है। तो कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, यानी कि रूस के संसद का नाम क्या होता है। आप लोग को जल्दी से बताना है। तो रूस के संसद का नाम जो होता है वो ड्यूमा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द इंपीरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपीरियल पैलेस कहां स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया कि इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित होता है। तो इंपीरियल पैलेस जो स्थित होता है वो टोक्यो में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान में राष्ट्रध्वज की रचना किसने की थी। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रध्वज की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रध्वज की रचना जो किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर गूगल पे, फोनपे, पेटीएम के जरिए ₹50 पेमेंट कर देना और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसके व्हाट्सएप पर
सेंड कर देना है, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। तो सुनो मेरे भाई ध्यान से, पीडीएफ में आप लोगों को क्या मिलेगा। तो पीडीएफ में आप लोगों को 50 से ज्यादा मॉडल पेपर मिलेगा, जैसे कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको 2012 से लेकर के 2020 तक का इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ मिलेगा, प्लस में इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल का 3 मेन पीडीएफ मिल जाएगा वहां से, और आपको चेतक एकेडमी का कोर्स मिल जाएगा। ये जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और एक जरूरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये जो पीडीएफ होगा सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन वाले बंदों के लिए होगा, तो सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन वाले बंदे ही इस नंबर पे पेमेंट करेंगे। ओनली फॉर 50 रुपए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पेमेंट करना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को लेना है तो आप जितना जल्दी ले सकते हो आप उतना जल्दी ले लो मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन बांग्लादेश बाई विच नेम गंगा इज नोन, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो बांग्लादेश में गंगा के नाम से जो जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इज द प्लेयर गिवन फॉर इमीडिएट एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। जल्दी से मेरे सभी फौजी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को जो दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं, आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपारदर्शी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो तत्व की आवश्यकता पड़ती है वो होती है कैल्शियम की, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पियर ऑफ द ईस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है वो श्रीलंका को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ यानी कि स्टार्ट होता है, आप लोगों को बताना है। तो भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कॉज एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो अम्ल वर्षा का मतलब कि अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो हवा में हानिकारक गैसों के कारण जो होता है वो अम्ल वर्षा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द विंड स्पीड मेजर बाय, यानी कि हवा की गति किससे नापी जाती है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो हवा की गति जो नापा जाता है वो एनीमोमीटर से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, गैस इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, आप लोग को जल्दी से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो ऑक्सीजन गैस निकलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेन गवर्नेंस ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो आपका इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 1 खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 2 की ओर। तो देखिएगा मॉक टेस्ट पेपर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, इन विच गेम इज टर्म कवर ड्राइव यूज, यानी कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग जो होता है वो क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज भारत के मतलब भारत कला भवन लोकेटेड, यानी कि भारत कला भवन जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो भारत कला भवन जो स्थित होता है वो वाराणसी में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द स्क्रिप्टर ऑफ द कुरान,
बताना है कि कुरान किसका धर्म ग्रंथ है आप लोगों को बताना है। तो कुरान जो होता है वो इस्लाम का धर्म ग्रंथ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन के, और चार नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए आप लोग को जल्दी से बताना है। तो वोट करने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कम से कम आपको 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन के, और पांच नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहां है आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेघालय की राजधानी जो होता है वो शिलोंग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन के, और छह नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड, यानी कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो सितारों के एक समूह को जो कहा जाता है वो कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन के, और सात नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड, यानी कि बाघा सीमा कहां स्थित होता है आप लोग को जल्दी से बताना है कि बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित होता है। तो बाघा बॉर्डर जो स्थित होता है वो पंजाब में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन के, और आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मास्टर चांदीगराम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि मास्टर चांदीगराम का संबंध जो है वो किस खेल से होता है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो मास्टर चांदीगराम का जो संबंध होता है वो कुश्ती से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे नौ नंबर क्वेश्चन के, और नौ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज द कॉल्ड लैंड ऑफ फाइव रिवर, यानी कि किस भारतीय राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है आप लोगों को जल्दी से बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पांच नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के, और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यदि आप लाल किले में है तो आप किस शहर में स्थित है, आप लोग को जल्दी बताना है कि लाल किला किस शहर में स्थित होता है। तो लाल किला जो होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के, और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है महाकुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। तो महाकुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो 12 वर्षों के बाद होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के, और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हाउ फार इज द अर्थ टाइटल एट इट्स डिस्टेंस, यानी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर जो होता है वो 23.5 डिग्री तक मतलब कि अंश तक झुकी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के, और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य जो होता है वो असम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन के, और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, और 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आप जितने अभी लाइव हो प्लीज उतने लाइक कर दो मेरे भाई। मैं अपना सच्ची बात बताता हूं मेरा तबीयत इस समय 2 या 3 दिन से बहुत ही खराब चल रहा है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए एकदम क्लास एक भी मिस नहीं कर रहा, मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं यार, क्योंकि आप लोगों का मुझे टेंशन है, आप लोगों का एग्जाम है 1 नंबर को यार। तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो और जल्दी से लाइव चैट को हटाओ और वीडियो को जरूर लाइक ठोको मेरे दोस्त, आप जितने हो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक देना। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वाटरलू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वाटरलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो वाटरलू का जो संबंध होता है वो नेपोलियन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन के, और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है इस सिंपल साल्ट, यानी कि साधारण नमक का सूत्र आप लोगों को बताना है। तो साधारण नमक जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो प्रातःकालीन धूप में जो होता है मानव शरीर में जो होता है विटामिन डी उत्पन्न होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन बोन इज फाउंड इन फेबुला, यानी कि मनुष्य की हड्डी फेबुला कहां पर पाई जाती है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो मनुष्य की हड्डी फेबुला जो
पाया जाता है वो पैरों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द प्राइमरी कलर, यानी कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं आप लोगों को बताना है। तो प्राथमिक रंग की जो संख्या होती है वो 3 होती है, यानी कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत मतलब कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो कहा जाता है वो जनित्र कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है आप लोगों को बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ, यानी कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किसका बना होता है आप लोगों को बताना है। तो फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं आप लोगों को लगभग बताना है जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पूछा है कि ओम निम्न में से किसका मात्रक है, यानी कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जल्दी से बताइएगा। तो ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल, यानी कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी आप लोग को बताना है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 2 भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 3 की ओर। तो मॉक टेस्ट पेपर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर आर द अजंता केव लोकेटेड, यानी कि अजंता की गुफा कहां स्थित होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जल्दी से बताइएगा। तो अजंता की गुफा जो स्थित होता है वो औरंगाबाद में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत की सबसे लंबी जो होता है वो गंगा नदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है आप लोगों को बताना है। तो कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है आप लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो 365 दिन लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों को बोलता हूं अगर आप में से किसी भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे फोन पे पेटीएम के जरिए ₹50 पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। आपको पीडीएफ बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पीडीएफ लेकर के पढ़ते हो मेरे दोस्त तो आपका 45+ कोई नहीं रुकेगा, यानी कि 45% अंक लाने से कोई नहीं रुकेगा। मैं आपको गारंटी वादा देता हूं मेरे दोस्त, आप एक बार पीडीएफ जरूर लेना, आपको ₹50 में कुछ नहीं जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग उतना नेट पैक भरवा लेते हो, अगर आपको लेना है तो आप जरूर ले सकते हो मेरे दोस्त। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहां पर होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहां पर होता है। तो संयुक्त राज्य अमीरात की जो राजधानी होता है वो अबू धाबी में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टी इज फाउंड परमानेंट, यानी कि चाय मुख्यतः कहां पर पाई जाती है आप लोगों को बताना है। तो चाय जो मुख्यतः पाया जाता है वो पहाड़ी ढलान पर पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां का निवास करता है आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है। कितना है 14.7% के साथ सबसे 1 रैंक पर है, इसको भी आप लोगों
को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो होता है वो गोरखपुर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, आप लोगों को बताना है। तो मौलिक अधिकार की जो संख्या होती है वो 7 होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा कि चतुर्थ मिलिट्री वर्ल्ड गेम कहां पर हुआ था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी कि निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आप लोगों को बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है वो भारत की खोज लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री जो है वो कहां पर स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो स्थित होता है वो देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, आप लोगों को बताना है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, यानी कि व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनफ्लिज मॉस्किटो, जल्दी से बताइएगा कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी मलेरिया जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज हाई, मतलब कि हाई इन एग व्हाइट, यानी कि देखिए पूछा है कि अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में जो होता है वो प्रोटीन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड, यानी कि सोने की शुद्धता किससे नापी जाती है, आप लोगों को बताना है। तो सोने की शुद्धता जो नापा जाता है वो कैरेट से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वायु का सक्रिय भाग क्या है, यानी कि व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर, जल्दी से बताइएगा। तो वायु का सक्रिय भाग जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर जो ये बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पायरिया इज अ डिजीज, यानी कि पायरिया जो है वो किसकी बीमारी है, आप लोगों को बताना है। तो पायरिया बीमारी जो होता है वो मसूरे की बीमारी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो अंगूर में जो पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है, आप लोगों को बताना है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच प्रोटीन इज फाउंड इन मोशन, की सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विथ हुम इज अ येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड, यानी कि मतलब कि पीली क्रांति जो होता है वो किससे संबंधित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो तिलहन उत्पादन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है, आप लोगों को बताना कि
कौन सा रोग जो होता है वो दूषित जल पीने से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि हैजा जो होता है वो दूषित जल पीने से होता है। तो बनेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच मेटल इज ऑलवेज किप्ड इन ऑयल यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी सोडियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राउंड वायर इज डोमेस्टिक वायरिंग यानी कि घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है, आप लोगों को बताना है। तो घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग जो होता है वो हरा होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 30 नंबर क्वेश्चन के और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। तो पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो कहा जाता है वनस्पति विज्ञान कहा जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 3 भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 4 की ओर। तो मॉक टेस्ट पेपर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री यानी कि बैंकॉक किस देश की राजधानी होती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो बैंकॉक जो होता है वो थाईलैंड का होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जोड़ी गलत है, आप लोगों को जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आंध्र प्रदेश में नहीं होता है मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रखना है। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित होता है वो मदुरई में स्थित होता है। देखिए ऑप्शन है जो है पारादीप बंदरगाह जो होता है वो उड़ीसा में स्थित होता है, राजघाट जो स्थित होता है वो दिल्ली में होता है और कांडला बंदरगाह जो होता है वो गुजरात में होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो ऋषभ देव थे यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सिटी ऑफ स्काई स्काईपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर जो कहा जाता है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम यानी कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो रंगास्वामी का संबंध जो होता है वो हॉकी से होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया यानी कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो कैबिनेट मिशन भारत में जो आया था 1946 में आया था यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देखिएगा पूछा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर होता है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर होता है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय होता है वो जनेवा में होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द देखिए पूछा कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोगों को बताना है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो होता है वो नॉर्मन ई बोरोलॉग होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाई लोगों से फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त, आज मैं बहुत कष्ट से वीडियो बना रहा हूं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको थोड़ा आवाज में भी प्रॉब्लम चेंज आ रहा होगा मेरे दोस्त, तो वैसे आज मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आया हूं। तो प्लीज जल्दी से सभी फौजी भाई लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है विच हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउसेस यानी कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो भारतीय सदन का जो होता है वो निम्न सदन जो कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित होता है वो हिमालय पर्वत स्थित होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का एकमात्र राज्य जहां की मतलब जहां की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है उस राज्य का नाम क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड का जो होता है वो राजभाषा अंग्रेजी होता है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है मेरे साथी लोग वो पृथ्वी को कहा जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर
क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग कहां स्थित होता है, आप लोग बताना कि वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड, यानी कि जलियांवाला बाग जो स्थित होता है वो अमृतसर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फ्लावर इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ विच कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो गुलाब का फूल जो होता है वो ईरान का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या होता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डेनमार्क का संसद का नाम जो होता है वो फ्लेक्टिंग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है, सॉरी माफ करिएगा ये क्वेश्चन मैंने दो बार रिपीट कर दिया, सॉरी। तो देखिएगा पूरा कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मापक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो दैनिक गति के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओम निम्न में से किसका मात्रक होता है, आप लोगों को बताना है। तो ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिट्स कॉल्ड, यानी कि पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन जो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र होता है, आप लोगों को बताना है। तो NaCl जो होता है वो नमक का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, आप लोगों को बताना है। तो बिजली के बल्ब में जो भरा होता है वो आर्गन गैस भरा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। पूछा है कि व्हाट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं HW के लिए दो क्वेश्चन दिया हूं, दोनों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सेरेब्रम किससे संबंधित होता है, आप लोगों को बताना है। तो सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज अ स्टडी इन अर्बोरिकल्चर, यानी कि अर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो अर्बोरिकल्चर में जो किया जाता है वो वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो हो गया आप लोगों का 100 क्वेश्चन का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के पार्ट वन देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कल भी जो चलेगा आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा तो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।